नमस्कार मित्रों, ओम यमाय धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय नमः, जय माता चंडी। तो आज का जो टॉपिक है, आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि माता आदि शक्ति के अनन्य भक्त भगवान चित्रगुप्त। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। शास्त्रों में भगवान चित्रगुप्त को माता आदि शक्ति का अनन्य भक्त बताते हुए कहा गया है कि चित्रवचो माया गुप्तम चित्रगुप्त स्मृत विधेय सगत्वा कोट नगरे चंडी भजन तत्पर। ये पद्म पुराण में कहा गया है। अर्थात आदि शक्ति माता चंडी की आराधना करने के लिए भगवान चित्रगुप्त नगर कोट गए और वहां उन्होंने माता का आराधना किया और आशीर्वाद पाया। तो ये नगर कोट कहाँ है इसके जानते हैं। नगर कोट हिमाचल के कांगड़ा का प्राचीन नाम है, जहां माता ज्वाला देवी का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। ये शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में प्रमुख है। यहां माता आदि शक्ति की ज्योति के रूप में पूजा की जाती है। यहां से निरंतर ज्योति निकलती रहती है, 9 ज्योतियां हैं, निरंतर निकलती रहती हैं, तो उन्हीं की आराधना आदिकाल से की जाती है। कहा जाता है कि इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस मंदिर की गणना प्रमुख 51 शक्तिपीठों में की जाती है। इस पीठ को ब्रजेश्वरी सिद्धपीठ कहा जाता है। यह मंदिर अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। इन 9 ज्वालाओं को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है, जो माता के 9 स्वरूप हैं। इस मंदिर का प्रारंभिक निर्माण राजा भूमिचंद ने कराया था। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह और महाराज संसार चंद्र ने 1835 में इसका पूर्ण निर्माण करवाया था। 16वीं शताब्दी में यहां ध्यानु भगत नाम के एक महान भक्त हुए थे। इनकी भक्ति और माता की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए अकबर ने इनके घोड़े का सर कटवा दिया और कहा कि तुम्हारे माता में शक्ति हो तो इस घोड़े को जीवित करें। ध्यानु भगत ने माता से प्रार्थना की और अपना शीश काटकर माता को अर्पित किया। तब माता प्रकट हुई और उन्होंने घोड़े के साथ साथ ध्यानु भगत को जीवन दिया। यह बात जब अकबर ने सुना तो उसने अपने सैनिकों को ज्वाला देवी मंदिर भेज दिया और जो 9 अखंड ज्योतियां जलती हैं उनको बुझाने का उन्होंने काफी प्रयास किया। मंदिर को नुकसान पहुंचाने और ज्योति बुझाने का उन्होंने काफी प्रयास किया, लेकिन वे सब असफल हुए। अपनी हार देखकर अकबर नतमस्तक और उसने लगभग 40 किलो का छत्र माता ज्वाला देवी को चढ़ाने के लिए साथ लेके पहुंचा और जैसे ही उसने वो छत्र माता को अर्पित किया, वो छत्र किसी दूसरे धातु में बदल गया। आज भी वो छत्र ऐसे ही पड़ा है। तो इस प्रकार माता ने अकबर के चढ़ावे को अस्वीकार कर दिया था। अब जानते हैं धर्मराज मंदिर के बारे में। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के जनजातीय भरमौर स्थित 84 मंदिर समूह में संसार के इकलौते धर्मराज महाराज या मौत के देवता का मंदिर है। बताया जाता है कि जिंदा रहते हुए कोई भी यहां आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हालांकि मान्यता है कि धर्मराज महाराज के इस मंदिर में मरने के बाद हर किसी को आना ही पड़ता है, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक। इस मंदिर में एक खाली कमरा है जिसे चित्रगुप्त का कमरा माना जाता है। ये स्थान कांगड़ा से 123 किलोमीटर दूर है। तो कैसा लगा आपको ये सब जानकारी और ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें। नमस्कार।